प्रदेश में बहुतकनिकी संस्थानों में इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स के लिए 16 अगस्त तक अपना दाखिला ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय धर्मशाला के सचिव आर के शर्मा ने बताया कि सत्र 2021-22 में विभिन्न भौतिकी संस्थान एवं आईटीआई में चलाए जा रहे कोर्सेज में प्रवेश हेतु निदेशालय तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर द्वारा प्रोस्पेक्ट एवं प्रवेश शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये शेड्यूल निदेशालय तकनीकी शिक्षा एवं हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बहुतकनिकी संस्थान में प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश पाने हेतु अभ्यर्थी 28 जुलाई से 16 अगस्त तक, द्वितीय वर्ष में 31 जुलाई से 17 अगस्त तक, द्वितीय वर्ष फार्मेसी डिप्लोमा में प्रवेश हेतु 31 जुलाई से 16 अगस्त तथा आईटीआई में प्रवेश हेतु 1 अगस्त से 16 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध विवरणिका पुस्तिका का अध्ययन करना जरूरी है। अभ्यर्थियों के लिए सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं जिनकी सूचना बोर्ड में वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी बहुतकनिकी संस्थान प्रथम व द्वितीय वर्ष में प्रवेश पाने हेतु अपना ऑनलाइन आवेदन सुझाए गए सुविधा केंद्र के माध्यम से भी भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन शुल्क अदा करने के लिए विद्यार्थी ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। आईटीआई की जो एडमिशन हैं वो हमारे निदेशालय तकनीकी शिक्षा के द्वारा एडमिशन नोटिस समाचार पत्र के माध्यम से जारी किया जा चुका है और वो हमारी और निदेशालय तकनीकी शिक्षा तथा बोर्ड की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। आईटीआई की एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो 31 जुलाई से ऑनलाइन एडमिशन के माध्यम से की जाएगी, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर वेब पोर्टल पे ऑनलाइन एडमिशन्स का लिंक जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। बच्चे उस लिंक के माध्यम से अपने एडमिशन्स के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन्स वहाँ पे करवा सकते हैं। पूरी जो प्रक्रिया एडमिशन्स की होगी वो ऑनलाइन माध्यम के से ही की पूर्ण की जाएगी। बच्चे को उसमें रजिस्टर करके और उसमें पेमेंट गेटवे के थ्रू च्वाइस फिलिंग इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करके और कोर्सेज सेलेक्ट करके मेरिट के आधार पर बच्चे को ऑनलाइन माध्यम से ही जो है वो सिलेक्शन लेटर जो है वो जनरेट किया जाएगा और बच्चा फाइनली जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ फाइनली जो भी उसमें सिलेक्शन लेटर में जो कट ऑफ डेट उसको मेंशन की होगी उसके साथ उसको संबंधित संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे और फीस वगैरह जमा करानी पड़ेगी, तभी उसकी जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो पूरी मानी जाएगी। अलावा जो है विभिन्न जो हमारे बहुतकनिकी राज्य जो सरकारी क्षेत्र में और प्राइवेट क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं प्रदेश में, उसके लिए जो एडमिशन प्रक्रिया है वो फर्स्ट ईयर जो के जो इंजीनियर कोर्सेज हमारे हैं वो कल से वो जो हमारा हेड प्रवेश प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके लिए भी हमारा तकनीकी शिक्षा बोर्ड के जो वेब पोर्टल पे जो है वो लिंक के माध्यम से बच्चे जो हैं उसमें वो रजिस्टर कर सकते हैं और इसके लिए जो है वो जो डिटेल शेड्यूल है वो निदेशालय तकनीकी शिक्षा के द्वारा जारी किया जा चुका है और जो हमारे सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री के जो स्कीम के तहत जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं जो जिन्होंने 10+2 या 2 ईयर्स आईटीआई कोर्स वगैरह जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है उसके लिए भी बच्चे जो है वो 31 तारीख से वो हमारे वेब पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं तथा फार्मेसी जो 2 ईयर्स हमारा कोर्स है जो हमारा सरकारी और प्राइवेट बहुतकनिकी संस्थानों में जो चल रहा है उसके लिए भी अगर एडमिशन के जो लेने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 31 तारीख से वो पोर्टल लाइव हो जाएगा।